कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं सभी बच्चे हष्ट पुष्ट बस और एकदम मस्त होंगे। तो भाई आप सबको पता है आज आपका सेकंड शिफ्ट में जो पेपर था वो अभी आ चुका है। वैसे तो मुझे पता है कि राजस्थान में नेट बंद है तो ये पॉसिबल ही नहीं है किसी भी कंडीशन में कि सभी बच्चे इसको देख पाए, तो फिर भी हमारा काम है कि आपको बिल्कुल अप टू डेट रखना, बिल्कुल साथ के साथ चीजें बता देना। तो हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं आपके पेपर का एनालिसिस और शुरू में हम शुरू करेंगे बायो वाले पार्ट से, क्योंकि समीर सर के अभी चल रही है साथ में क्लास, तो अभी वो क्लास ले रहे हैं। तो आपका फिलहाल बायो और केमिस्ट्री का एनालिसिस हम करा देते हैं शुरू में, फिजिक्स को हम दी एंड में देखेंगे, ठीक है? तो आपका 31st प्रश्न से यहां से शुरू होता है, बायो का प्रश्न, इसमें कह रहा है कि द सीड ऑफ सीरियल कंटेन अ लार्ज शील्ड शेप कॉटिलीडॉन नोन एज, कि अनाज के बीजों में पाया जाने वाला ढालाकार बीज पत्र कहलाता है, क्या कहलाता है? देखो ये आपका मैंने बताया हुआ सारा पेपर बहुत ईजी आया, हमने देख लिया है। तो ऑप्शन ए है स्कूटलम, फिर आपका कोलियोपटाइल, फिर आपका कैपिटलम, फिर आपका एरिल। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा भैया? स्कूटलम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? स्कूटलम आ जाएगा। ए विल बी योर करेक्ट आंसर। मेरे प्यारे दोस्तों, तो सभी के सभी सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो ताकि आंसर की सबका भला होना चाहिए। हाँ, तो 31st का हमारा आंसर क्या था भैया? ए आंसर था। अभी देख लेते 32nd का क्या है। देखो ये चीज मैंने आपको लास्ट में बताई थी, लास्ट में जाते जाते, कि याद कर जाना कौन सी फंजाई का कौन सा एग्जाम्पल है, कौन सी कैटेगरी का कौन सा एग्जाम्पल है। यहाँ पे पूछे मशरूम जो है किस क्लास ऑफ फैमिली से बिलोंग करता है, सॉरी फंजाई से, कि आपका कुकुरमुत्ता खुंभ कवकों का किस वर्ग में पाया जाता है। तो आप सबको पता है किसके अंदर पाया जाता है भैया आपका? क्या आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे? बेसिडियोमाइसिटीज। बी आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्या हो जाएगा? बी, बेसिडियोमाइसिटीज हो जाएगा, जिसके अंदर हम एडिबल मशरूम्स भी हम खाते हैं, है ना? तो बी विल बी योर करेक्ट आंसर हियर। इसी के साथ अगला प्रश्न है आपका 33वां। 33वां कहता है कि डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन किसका यूनिक फीचर है। अगर आपको ध्यान हो तो तब मैंने एंजियोस्पर्म्स कराया था, तो मैंने कहा था कि एंजियोस्पर्म के अंदर खास चीज क्या होती है? ट्रिपल फ्यूजन। एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है, ये सिर्फ एंजियोस्पर्म का फीचर होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? एंजियोस्पर्म, यानी डी विल बी करेक्ट आंसर हियर। क्या हो जाएगा? डी, एंजियोस्पर्म यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है आपका 34 वाला, कि द टर्म बायोडाइवर्सिटी वॉज कॉइंड बाई, यार इतनी बार कराया है मैंने प्रश्न, इवन जनरल साइंस वाले पोस्ट में भी मैंने इतनी बार कराया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? टेंसले। बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जैव विविधता शब्द किसने दिया था? टेंसले ने दिया था। बी विल बी करेक्ट आंसर हियर, ठीक है? अगला प्रश्न है आउटर मोस्ट वर्ल्ड ऑफ ए फ्लावर इज, कि आपका पुष्प का बाहरी चक्र क्या होता है। पहला है कैलेक्स, दूसरा है कोरोला, फिर आपका गाइनोशियम, यानी कि बाह्य दलपुंज, दलपुंज, जायांग, पुमंग। तो आप सबको पता है जिसको हम क्या कह देते हैं? कैलेक्स। कैलेक्स के अलावा इसका एक दूसरा नाम भी होता है जिसको हम कहते हैं सेपल। क्या कहते हैं? सेपल, जो बाहर ग्रीन ग्रीन रहते हैं ना, आपका नीचे कली के नीचे ग्रीन ग्रीन पार्ट होता है, उसको हम कहते हैं। तो आपका आंसर यहाँ पे ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है? इसी के साथ अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है, कि क्यूटिकल इज एब्सेंट इन, कि आपका क्यूटिकल किसमें नहीं पाया जाता है। तो क्यूटिकल क्या होता है? आपको लगता होगा क्यूटिकल पता ही नहीं क्या ही चीज है, बट एक्चुअल में मेरे प्यारे बच्चों क्यूटिकल एक आपकी चिपचिपाहट भरी चीज होती है, चिपचिपी चीज, वैक्सी चीज होती है, जो कि आपके स्टेम के ऊपर पाई जाती है परंतु कभी भी रूट्स पे नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पे क्यूटिकल किसके अंदर आपकी नहीं मिलेगी? आपकी रूट में नहीं मिलेगी, जड़ में नहीं मिलेगी, मूल में नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे आपका आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे आंसर? डी हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रूट मॉडिफिकेशन हेल्प इन रेस्पिरेशन। देखो अगर किसी बच्चे ने ध्यान दिया होगा, मैंने आपको कहा था लास्ट टाइम पे जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें बताए थे उसमें मैंने बताया था कि रूट की मॉडिफिकेशन होती है एक किस चीज के लिए? रेस्पिरेशन में हेल्प करने के लिए। तब भी किसी लवणता भरी जगह में पेड़ उग जाता है तो उसकी जड़ें बाहर निकल जाती है, जिसको हम कहते हैं न्यूमेटोफोर। तो यहां पे उसी के बारे में पूछा है कि आपका रेस्पिरेशन में हेल्प करने के लिए जो रूट मॉडिफाई होती है उसका क्या नाम है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? न्यूमेटोफोर ए आंसर हो जाएगा। आई होप जिसने ये मैं कहां से हूं वो तो कोई बात नहीं, क्यों भाई दीपशिका ये बताया था कि नहीं बताया था मुझे ये बताओ। चलो आगे प्रश्न है आपका, द सेल वॉल ऑफ फंजाई इज कंपोज्ड, और यार लाखों बार बताया है मैंने सेल वॉल के बारे में, लाखों बार बताया कि आपकी फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई होती है? काइटिन के बनी हुई होती है। अगला प्रश्न है आपका कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू पाइरुविक एसिड इन रेस्पिरेशन इज कॉल्ड, कि तब आपका ग्लूकोज जो है पाइरुविक एसिड में टूटता है तो उसको क्या कहते हैं। तो उसके लिए हम क्या कहते हैं? ग्लूकोज का टूटना इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस, यानी ग्लूकोज का टूटना। लाइसिस का मतलब होता है टूटना, ग्लूकोज का टूटना ग्लाइकोलाइसिस। तो यहाँ पे आंसर आपका डी हो जाएगा। ग्लूकोजेनेसिस के अंदर ग्लूकोज का बनना होता है। जिन बच्चों को लग रहा है ए नहीं, ग्लूकोज का ए नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज बनती है और ग्लूकोज टूटती है ग्लाइकोलाइसिस में। तो आपका यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा, ठीक है? अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, ओके यहाँ पे है,
यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है 40वां, जो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रूट सिस्टम इज फाउंड इन डाइकोट, कि डाइकोट के अंदर आपका कौन सा रूट सिस्टम पाया जाता है। चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बताया था कि आपका तब एंजियोस्पर्म की बात आती है, तो एंजियोस्पर्म में डाइकोट के अंदर आपका क्या पाया जाता है, टैप रूट सिस्टम पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं मुसला मूल। और वहीं पे डी आंसर, यहाँ पे मुसला मूल सही हो जाएगा। फाइबरस छकड़ा जो पाई जाती है मोनोकोट के अंदर। भाई एक एक प्रश्न ऐसा है जो आपका करा रखा था, कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो मैंने नहीं कराया हो, है ना। तो आप सबने अगर ध्यान से सुना होगा ना, बिल्कुल लास्ट के डेज में भी ये करा होगा तो भी आपका पेपर हो गया होगा, ठीक है। इसी के साथ आपका अगला प्रश्न क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेटरोस्पोर स्टेरिडोफाइट। मैंने आपको फिर से कह रही हूं, मैं जाते जाते आपको एक चीज बता के गई थी कि आपका टेरिडोफाइट जिस समय पे पढ़ो तो टेरिडोफाइट में हेटरोस्पोरस के एग्जाम्पल्स पढ़ के जाना, उसी में से एक पूछा गया है। मैंने कहा था स्लेजिनेला साल्विनिया और आपका और कौन सा बताया था, मार्सिलिया और अजोला, ये चारों के चारों क्या थे, आपके हेटरोस्पोरस टेरिडोफाइट थे। और यही इसने पूछ लिया, हेटरोस्पोरस टेरिडोफाइट जो बताया था वही आया। देखो आपकी दीपशिका जिसने कहा है कि कहे सब पढ़ाया था, बिल्कुल बिल्कुल दीपशिका, क्योंकि दीपशिका एक रेगुलर स्टूडेंट है तो उसको मालूम है अच्छे से कि जो हमने पढ़ाया है उसी में से पेपर आया है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, स्लेजिनेला हो जाएगा। आगे आपका प्रश्न क्या है 42 वाला, कि द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस ए मेम्ब्रेन इंडिपेंडेंट ऑफ अदर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, कि जब एक अणु, क्या भाई, जब एक अणु आपका स्वतंत्र रूप से गति करता है, झिल्लिका को पार करता है, उस विधि को हम क्या कहते हैं। पहला है यूनिपोर्ट, दूसरा है इनपोर्ट, फिर आपका सिमपोर्ट, फिर आपका एंटीपोर्ट। देखो यहाँ पे आपकी बात, देखो यूनिपोर्ट, यूनिपोर्ट यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा कि यहाँ पे स्वतंत्र रूप से एक अणु गति करता है। वहीं पे आपका इनपोर्ट में कोई भी चीज अंदर की तरफ जाती है, मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ जाती है, इसको आप छोड़ दो, यहाँ पे कोई एक अणु की बात नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे अणु भी हो सकते हैं। यहाँ पे आपके कुछ बच्चे बोलेंगे सिमपोर्ट, सिमपोर्ट के अंदर दो मॉलिक्यूल होते हैं, एक नहीं होते और एक ही दिशा में जाते हैं। एंटीपोर्ट में फिर दो मॉलिक्यूल हो जाएंगे जो एक दूसरे के विपरीत गति करते हैं, परंतु यूनिपोर्ट में एक मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंट रूप से एक झिल्ली के पार हो जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, यूनिपोर्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं इसी के साथ, अगला प्रश्न क्या कहता है कि इनर लेयर ऑफ सीड कॉट इज कॉल्ड। अरे अरे कितना अच्छा प्रश्न है। आपको क्या बताया था मैंने कि कोई भी सीड होता है उसकी दो लेयर होती है, एक टेस्टा एक टैगमन। टेस्टा जो बाहर हार्ड होती है और टैगमन जो अंदर सॉफ्ट होती है। इसने क्या पूछा है, अंदर की सॉफ्ट का, तो अंदर वाली कौन सी हो जाएगी, टैगमन। क्या हो जाएगी, टैगमन। बाहर की पूछा होता तो टेस्टा, अंदर की पूछा है तो टैगमन। इसी के साथ अगला प्रश्न है आपका क्या है भाई, देखो जरा 43-44 पे आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैक्रो न्यूट्रिएंट। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो आपके जो न्यूट्रिएंट होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक आपके प्राइमरी एक आपके सेकेंडरी। तो पोटाशियम और फॉस्फोरस तो आपका प्राइमरी मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है, सल्फर आपका सेकेंडरी मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है, आयरन आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है, ना कि मैक्रो। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, आयरन हो जाएगा, क्योंकि आयरन इज ए माइक्रो न्यूट्रिएंट नॉट ए मैक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, हाँ चलो पढ़ो इसको, आ जाओ बी पे आ जाओ। आगे आपका प्रश्न है 45 पे कि द मेरिस्टेम इन विच अकर बिटवीन मैच्योर टिश्यू इन प्लांट इज कॉल्ड। अरे 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 ये तो जाते जाते बताया था मैंने कि आपके मेरिस्टेम कहां कहां प्रेजेंट होते हैं, एपेक्स, इंटरकैलरी और आपका लेटरल, पढ़ के जाना। उसी उधर से ये आया है कि दो मैच्योर टिश्यूज के बीच में तब आपका मेरिस्टेम होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं भैया, उसको हम क्या कहेंगे, इंटरकैलरी। क्या कहेंगे, अंतर्वेशी। सी आंसर हो जाएगा यहाँ पे 45 का, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 46 वाला, जिसने कहा कि हु गेव थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। चीख चीख के बताया है, चीख चीख के बताया है भाई, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन, ये इवोल्यूशन में मैंने कराया भी था। क्या कराया था, इवोल्यूशन में कराया भी था। तो यहाँ पे आंसर आपका डार्विन हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन, सी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कनेक्टिव लिंक बिटवीन कोऑर्डिनेट एंड नॉन कोऑर्डिनेट। ये जिस समय पे आपको मैंने क्या कराया था, एनिमल किंगडम कराया था ना, एनिमल किंगडम की क्लासिफिकेशन कराई थी वहां पे, तब हमने उसके बाद एमसीक्यू लगाए, तो उनमें से ये एक एमसीक्यू था कि आपका कोऑर्डिनेट और नॉन कोऑर्डिनेट के बीच का लिंक क्या है। तो वो आपका लिंक कौन सा होता है, बेलेनोग्लस, क्या है आपका, बेलेनोग्लोसस। तो आपका यहाँ पे आंसर ए सही हो जाएगा, ए विल बी करेक्ट लिंक। ये कराया हुआ प्रश्न आया है, ऐसा प्रश्न नहीं है जो करा ना रखा हो, ठीक है। आगे प्रश्न आपका क्या कहता है भाई, जरा देखें आगे प्रश्न क्या कहता है। आगे कहता है कि
कि इनर लेयर ऑफ बामून कैप्सूल कंटेन स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल नोन एज, कि बोमन संपुट के आंतरिक स्तंभ में विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जिनको हम क्या कहते हैं, क्या बताया था मैंने, क्या कहते हैं उनको हम पोडोसाइट, क्या कहते हैं उनको हम पोडोसाइट कहते हैं। तो यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। और मैंने कहा था कि बामून कैप्सूल में सबसे पहले फिल्ट्रेशन होता है और वहां पे आपके पोडोसाइट होते हैं जो कि प्रोटीन्स को और अमीनो एसिड्स को रोक लेते हैं, बाकी सारे प्लाज्मा को जाने देते हैं, राइट। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, पोडोसाइट हो जाएगा, पोडोसाइट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं इसी के साथ। अगला प्रश्न क्या कहता है ये कि भी इम्प्योर ब्लड फ्रॉम हार्ट वॉल इज कैरिड इनटू राइट आर्टरीम। ये थोड़ा सा हार्ड प्रश्न आपका पूछा गया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन देखो यहाँ पे क्या दिया गया है कि पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी एंड कॉर्नरी साइनस, कॉर्नरी वेन एंड कॉर्नरी साइनस, पल्मोनरी ट्रंक। वैसे तो आपका यहाँ पे हम क्या पढ़ते हुए आए हैं, वेना कावा, क्या पढ़ते हुए आए हैं हम, वेना कावा। ये थोड़ी सी आपकी थोड़ा एडवांस लेवल यहाँ पे मैं कहूंगी दे दिया, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है, बच्चों को शायद से समझ में अभी आया हो यहाँ पे। परंतु वेना कावा के ही साथ लिंक्ड पार्ट आपके कौन से होते हैं, कॉर्नरी वेन और आपके कॉर्नरी साइनस के होते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर सी वाला हो जाएगा, कौन से वाला हो जाएगा, यहाँ पे आपका आंसर सी वाला, कॉर्नरी वेन और कॉर्नरी साइनस, ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ अगला प्रश्न है आपका कि 50th में कि भी द राइट फॉलोइंग स्टेटमेंट आर अबाउट मसल, कि मसल के बारे में सही स्टेटमेंट है। यहाँ पे कह रखा है कि लाइट बैंड कंटेन एक्टिन, सही स्टेटमेंट है, कोई झूठ की बात नहीं है। फिर कह रहे लाइट बैंड आर कॉल्ड एनाइसोट्रॉपिक, गलत चीज, आप लाइट बैंड को नहीं डार्क बैंड को एनाइसोट्रॉपिक कहते हैं, लाइट बैंड को कहा जाता है आइसोट्रॉपिक ना कि अनाइसो, अनाइसो होता है डार्क के लिए, लाइट के लिए आइसो, तो ये आपकी स्टेटमेंट गलत है। फिर कह रहे कि डार्क बैंड कंटेन मायोसिन, बिल्कुल सही बात है, डार्क बैंड के अंदर आपका मायोसिन होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर कह रहा है कि एक्टिन फिलामेंट आर थिक, नहीं नहीं एक्टिन फिलामेंट थिक नहीं है, मैंने आपको एक याद तरीका था, मायोसिन, एम से मायोसिन, म से मोटा, मोटा होता है मायोसिन ना कि एक्टिन, तो ये आपका ये भी गलत है। तो यहाँ पे आपका पहला और दूसरा यानी सी ऑप्शन, पहला और दूसरा ही यहाँ पे सही स्टेटमेंट है, अदरवाइज यहाँ पे सारी स्टेटमेंट गलत गिवन है, ठीक है। इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है कि भैया आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट फाउंड इन रिवर, देखो ये प्रश्न आपका है ना गलत दे रखा है उन्होंने, ये प्रश्न क्या दे रखा है, गलत दे रखा है। इन्होंने कहा कि है जो उसके रिवर के अंदर नहीं पाई जाती है, रिवर के अंदर नहीं पाई जाती हैं। वैसे तो जो आपके मोलस्क होते हैं, क्या होता है आपका नॉर्मली मोलस्क होते हैं, एक्नोडर्मेटा होते हैं, ये दोनों ही रिवर्स में नहीं पाया जाता है, ये दोनों ही रिवर्स में नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस देखोगे तो ऑप्शंस के अंदर भी कंफ्यूजन है, ये प्रश्न यहाँ पे मैं सीधा सीधा कह रही हूँ गलत दे सकता है। हो सकता है यहाँ पे कोई एक चीज आपकी स्पेसिफाइड हो सकता है वहां पे मोलस्क आंसर की में आ जाए, हो सकता है एक्नोडर्मेटा आ जाए, परंतु ये दोनों के दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे आपको देखना है आंसर की में क्या आना है, इसके अकॉर्डिंग ये दोनों सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, आंसर की का वेट करने वाले हैं, इसके लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे वेट करेंगे आपका आंसर की में कि वो आपको किस किस प्रश्न को सही बताता है, ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि पोर्टल ट्राइड इज इन लीवर इज मेड अप ऑफ, कि आपका यकृत में निवाहिका त्रिक बना होता है किस चीज से, पहला है हिपाटिक आर्टरी, दूसरा हिपाटिक पोर्टल वेन और आपका फिर ब्रांच ऑफ बाइल डक्ट, पहला ही ऑप्शन सही है, हमको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे आपका पहले वाला आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा 52 का। आगे प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न आपका क्या कहता है जरा देखें कि सेंट्रल पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट विच इज नॉट ओवरलैप्ड बाय थिन फिलामेंट इज कॉल्ड, हम सबको पता है क्या होता है, आपका जो थिन वाला होएगा जो ओवरलैप है वो आई बैंड हो जाएगा, और जो आपका डार्क वाला हो जाएगा वो एम वाला हो जाएगा, और जो खाली ओवरलैपिंग वाला नहीं होगा वो आपका एच जोन हो जाता है, कौन सा हो जाएगा, एच जोन हो जाएगा। और आपका मसल सिस्टम के अंदर हमने ये पढ़ा था और ये प्रश्न आपका करा रखा है, ठीक है। इसके साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कहाँ है, ऊपर है, चलो आगे प्रश्न है कि डिजीज इन विच बैलेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम इज डिस्टर्ब्ड एंड इज कॉज्ड बाय एक्सेस ऑफ एल्डोस्टेरोन। यहाँ पे कुछ बच्चे आपके एड, देखो यहाँ पे जिस भी बच्चे का मैंने पेपर लिया इसने लिखा है एडिंसन डिजीज, परंतु इसने थोड़ा उल्टा बता दिया, यहाँ पे एक्सेस नहीं होता, यहाँ पे कमी हो जाती है एडिंसन पे। एक्चुअल में जब आपकी जो मैं कहूँ एड्रेनल ग्लैंड होती है वो तब डैमेज हो जाती है, वहां पे आपकी कशिंग डिजीज हो जाती है, जिसके कारण आपका वहां पे बैलेंस खराब हो जाता है सोडियम का और पोटाशियम का, और वो एक्सेस में आपका सिक्रीट
सेक्रेट होता है, परंतु अगर आपकी एड्रेनल ग्लैंड खराब हो जाए, वो अच्छे से सिक्रीशन ना करे, तो आपका एडिसन होगा। एक्सेस है तो कसिंग, कमी है तो एडिसन। ठीक है, तो यहां पे आपका आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे है 55 वाला कि एग्जांपल ऑफ फ्रेश वाटर एडिबल फिशेज आर, कि आपकी खाने वाली फिशेज इसमें कौन सी होती है। पहला कह रहा है कॉमन कार्प एंड कैटला, सही चीज है, रोहू, ये दोनों ही खाने वाली है, हिल्सा और सार्डिन और पॉम्फ्रेंट, यहाँ पे ये नहीं होंगे। आपका पहला और दूसरा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे सी, फर्स्ट और सेकंड विल बी करेक्ट आंसर, सी विल बी हियर करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है कि हैमर शेप ईयर ऑसिकल इज कॉल्ड। मैंने आपको तीन बताई थी कि आपके कान के अंदर तीन बोन्स होती है, उसके अंदर मैलस जो बीच वाली होती है वो हैमर की शेप की होती है, तो यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनकस मैलस स्टेपस, ये आपकी तीन क्या होती है, कान वाली बोन होती है, स्टेपस सबसे छोटी होती है और हैमर के जैसे कौन सी होती है, मैलस होती है। तो ए विल बी योर करेक्ट आंसर हेयर, ए विल बी योर करेक्ट आंसर हेयर। ठीक है, मैलस। उसके बाद आपका 57 वाला प्रश्न क्या कहता है कि प्रिंसिपल इन विच जीन पूल इन पॉपुलेशन रिमेन कॉन्स्टेंट, किसने दिया था। यार इतनी बार मैंने ये आपको कराया है हार्डी बीनबर प्रिंसिपल, साथ में मैंने ये भी बताया है कि तब होमोजाइगोसिटी हो तो क्या फॉर्मूला है, हेटरो हो तो क्या है, ये चीज बहुत बार कराई है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, हार्डी बीनबर प्रिंसिपल, क्या हो जाएगा, हार्डी बीनबर प्रिंसिपल आपका हो जाएगा। आगे प्रश्न आपका क्या कहता है भैया कि आपका स्पर्मेटिड आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्म बाय द प्रोसेस इज कॉल्ड, कौन सा हो जाएगा यहाँ पे आपका, बताओ जल्दी से, जहां पे स्पर्मेटिड जो है आपका स्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है। एक हमने एक चीज सुनी थी कैपिस्टेशन, कैपिस्टेशन जहां पे आपके स्पर्मेटिड स्पर्म्स में कन्वर्ट होते हैं, उनका फिजिकल स्टेट कन्वर्ट होता है, परंतु कैपिस्टेशन यहाँ पे आंसर में नहीं है, तो हमारा यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस। जेनेसिस जब भी वर्ड आता है तो इसका मतलब कि वहां पे बनने की बात हो रही है, कुछ चीज बन रही होगी, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या कहता है कि द प्लेस वेयर क्लियरेस्ट इमेज इज फॉर्म्ड इन द आई एंड सेंसरी सेल स्पेशली, कौन सेल आर, सीधी सी बात कह रहा है कि जहां पे आपकी इमेज बनती है वो पोर्शन होता है आपका रेटिना, परंतु यहाँ पे रेटिना ऑप्शन नहीं है और आपको ये पता है रेटिना के अंदर आपके कौन सेल्स होते हैं, रोड सेल्स होते हैं, और यहाँ पे इसने कहा कि कौन सेल जहां पे ज्यादा होते हैं, और हमको ये पता है कौन सेल हमारे ज्यादा कहाँ होते हैं, येल्लो स्पॉट पे होते हैं, और जिसको हम एक वर्ड दूसरा भी दे देते हैं मैक्यूला, इसको हम एक दूसरा शब्द भी देते हैं मैक्यूला, मैक्यूला का मतलब भी आपका येलो स्पॉट ही होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, येलो स्पॉट। यहाँ पे रेटिना होता तो हम वो आंसर करते फॉर श्योर, परंतु येलो के रेटिना के अंदर भी येलो स्पॉट, जहां पे कौन सेल बहुत ज्यादा होते हैं, तो आंसर आपका यहाँ पे येलो स्पॉट हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे इसका प्रश्न का आंसर क्या है भैया, 59 एक रह गया है। पायरामिड विच आर फाउंड इन न्यूक्लिक एसिड, ये तो पेपर से आपका मतलब कि तब इंपॉर्टेंट बताया था ना, उससे एक दिन ही पहले बताया था मैंने, इंपॉर्टेंट था उस दिन भी मैंने बताया था कि डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर आपको ये याद रखना है प्यूरीन और पायरामिडीन के कौन से एग्जाम्पल है, किसके साथ बॉन्डिंग कर रहा है, कितने बॉन्ड से है। वहां पे मैंने आपको बताया था कि प्यूरीन जो आपके होते हैं, प्यूरीन आपके क्या क्या होती है, एक तो होता है एडनोसिन, एक होता है ग्वानोसिन, फिर आपका आता है पायरामिडीन, पायरामिडीन में तो आपका यूरेसिल, थायमिन और साइटोसिन। तो जरा देखे, इसने पूछा है पायरामिडीन के लिए ग्वानिन साइटोसिन, ग्वानिन नहीं होता, एडनिन ग्वानिन नहीं होता, साइटोसिन यूरेसिल थायमिन, ये सी वाला सही आंसर है, यहाँ पे एडनोसिन नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर कौन से वाला हो जाएगा, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे कुछ आपके 90 से ऊपर प्रश्न तब आते हैं, तो जनरल साइंस का कुछ पोर्शन है जो आपका बायो वाला मैं कवर करा देती हूँ फटाफट से अभी की अभी, क्योंकि बायो वाला चल रहा था, पर बायो को ही कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपके केमिस्ट्री वाले मैम कराएंगे फटाफट से आंसर्स। ठीक है, देख लो, बिल्कुल जान लगा दी है, और आप लाइक भी नहीं कर सकते सेशन को, जो बच्चे बाद में भी इसको देखेंगे तो प्लीज गाइस डू लाइक द सेशन, डू लाइक द सेशन। ओके, तो यहाँ पे आपका एक चीज है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंस्टिट्यूट ए फूड चेन, फूड चेन के लिए कौन सा है। यहाँ पे देखो जरा, पहला कह रहा है कि बैम्बू एलिफेंट डियर, कि आप बैम्बू होगा, बैम्बू को खाएगा एलिफेंट, और एलिफेंट कौन खाएगा, डियर खाएगी, ये कभी भी नहीं हो सकता है। हाथी को कभी किसी हिरण ने खाया है, नहीं खाया। फिर कह रहा है फिश को खाएगी गोट, फिर उसको खाएगा लायन, ये भी कभी नहीं होता है, ये भी कभी नहीं होता है। आपने कभी देखा है कभी आपकी जो गोट है वो फिश को खाती है, वो आपकी शाकाहारी होती है। फिर कह रहा है फ्रूट सीड फ्लावर, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, फूड चेन थोड़ी है ये। फिर है ग्रास गोट ह्यूमन, ये सही है,
घास को खाएगी बकरी और बकरी को खाता है इंसान, मटन क्या होता है, बकरा ही तो होता है आपका, है ना। तो यहाँ पे आंसर डी सही हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आंसर डी सही हो जाएगा। इसके अलावा आपका और कौन सा प्रश्न है यहाँ पे जो कि बायो का है, जरा देखें। हाँ, ये वाला, इसने कहा है कि आपका यहाँ पे ना एग्जांपल्स दिए हैं, काफी सारी लिस्ट दी है और आपको ये बतानी है कि आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी है। एक्सोक्राइन मैंने क्या बताई थी, एक्सोक्राइन वो जो आपके क्या सिक्रीट करते हो, एंजाइम सिक्रीट करती हो, सॉरी हाँ एंजाइम सिक्रीट करती हो, एंजाइम सिक्रीट करने वाली एक्सोक्राइन होती है। जरा देखें एक्सोक्राइन कौन सी हो जाएंगी यहाँ पे, ग्लूकागन और इंसुलिन, ये दोनों ही एंडोक्राइन से होती है। सलाइवा एक्सोक्राइन से हो गया एक आपका सलाइवा। कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन आपका कैसा होता है, हॉर्मोन होता है, ये भी आपका यहाँ पे नहीं होगा। ईयरवैक्स, ईयरवैक्स मिल्क और स्वेट। अब यहां पे आपका आंसर देखो तो आपका, मैं यहां पे सिर्फ सलाइवा सलाइवा कंटेन करती हूँ क्योंकि सलाइवा में एंजाइम्स होते हैं, और कोई भी चीज ऐसी नहीं है जहां पे आपका क्या हो, सलाइवा के अलावा कोई और यहां पे एंजाइम हो, क्योंकि इंसुलिन आपका हार्मोन है, ग्लूकागन हार्मोन है, कैल्सिटोनिन हार्मोन है। या तो ये हो सकता है यहां पे आपका प्रश्न पूरा नहीं है, हो सकता है कुछ और हो, परंतु अगर यहां से हम करेंगे तो हम इन तीनों को भी एक एक्सोक्राइन ग्लैंड में ही लेंगे। मिल्क ग्लैंड एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, स्वेट पसीने आते हैं वो भी आपकी एक्सोक्राइन होती है, ईयरवैक्स ये भी आपकी एक्सोक्राइन होती है, परंतु एंजाइम श्रावित नहीं होते हैं, परंतु है एक्सोक्राइन, ठीक। तो हम एक एंजाइम वाला पैरामीटर नहीं लेंगे यहाँ पे, तो हमारा आंसर यहाँ पे टोटल फोर वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका बी वाला आंसर जो है सही हो जाएगा, फोर, बी विल बी, फोर विल बी करेक्ट आंसर। विनय सिंह, सोनिया मैम इज माई फेवरेट मैम, ठहर जाओ तुम, चलो देखे जना और कौन सा प्रश्न है जो यहां से रह गया। हाँ, यहाँ पे एक और है, ह्यूमन आई के अंदर आपका कौन सा लेंस पाया जाता है। अरे ये तो जनरल साइंस में भी कराया हुआ मैंने, कौन सा पाया जाता है, बायकॉन्वेक्स पाया जाता है, कौन सा, बायकॉन्वेक्स, परंतु यहाँ पे बायकॉन्वेक्स का कोई भी आपका जिक्र नहीं है, तो आप यहाँ पे करेंगे कॉन्वेक्स, क्या करेंगे, कॉन्वेक्स करेंगे यहाँ पे आंसर, ठीक है। इसके अलावा आपका यहाँ पे और क्या पूछा गया है जरा देखें कि रस्टिंग ऑफ एन आर्टिकल मेड अप ऑफ एन आयरन इज कॉल्ड, सबको पता है क्या बोलते हैं आयरन की तब रस्टिंग होती है, तो क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, उसको कोरोजन बोलते हैं। कोरोजन के साथ साथ उसका फिजिकल चेंज भी होता है और केमिकल चेंज भी होता है, तो यहाँ पे आपका आंसर सी वाला हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी वाला आंसर हो जाएगा, सिर्फ भौतिक नहीं होता है, केमिकली भी उसका हो जाएगा, मतलब केमिकल नहीं हो सकता, यहाँ पे थोड़ा बहुत आपका समुट में कहूंगी कंफ्यूजन हो सकता है। वैसे तो आपका क्या होना चाहिए, कोरोजन तो है ही है ना, फिजिकल चेंज तो है ही है, उसका वेट घट जाता है, पर केमिकल तो आयरन का फॉर्मूला आयरन ही रहेगा, तो आई थिंक यहाँ पे आपका इन दोनों डिसोल्यूशन तो आपका नहीं होगा। खैर यहाँ पे सी आंसर ही आपका बनता है, सी आंसर ही बनता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फिजिकल चेंज का, खाली फिजिकल चेंज के लिए नहीं दिया है, यहाँ पे डिसोल्यूशन लिखा हुआ, डिसोल्यूशन नहीं कहते हैं, तो आपका आंसर यही फिट बैठता है। इसमें एक चीज थोड़ी एक्स्ट्रा मुझे लग रही है, ठीक है, परंतु आपका फिट यही बैठ रहा है, तो यहाँ पे आपका आंसर सी वाला सही हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे एक आंसर है कि एच शेप की ग्लैंड कौन सी होती है, कौन सी एच शेप की ग्लैंड जो गर्दन में होती है, तो कौन सी होती है एच शेप की जो गर्दन में होती है, देखो जरा, एड्रेनल तो आपकी किडनी पे होता है, पीनियल दिमाग में होता है, पिट्यूटरी आपकी कहां होगी, वो भी यहां पे होगी, गर्दन की बात हुई तो आपकी थायराइड हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, थायराइड ग्लैंड आपकी यहां पे सही आंसर हो जाएगी, ठीक है। इसी के साथ आगे देखते हैं, इसमें क्या, पोन्स और मेडुला किसके पार्ट है, भाई हम सबको पता है पोन्स ऑफ मेडुला आपके किसके पार्ट हो जाएंगे, आपके ब्रेन के पार्ट हो जाएंगे, मस्तिष्क के पार्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पे आंसर ब्रेन हो जाएगा। तो बिल्कुल साफ सीधा अच्छा सा आंसर दे रखा था जिसने भी पढ़ा होगा ना, दो लाइन ध्यान से भी उसका भी हो गया होगा। ऑप्टिकल फाइबर, ये आपका रिपीट हुआ है, ये आपका रिपीट हुआ है, इसका TIR मतलब होता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर ये बेसिस होता है सारा का सारा फिनोमिना। इसके बाद 100 क्वेश्चन देख लेते हैं, 100 कौन सा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर, खाली तो आपका मैडम का है ये कराएंगे, ठीक है। तो एक बार अपने बायो के हो चुके हैं पूरे, तो अब जल्दी से केमिस्ट्री के देख लेते हैं, केमिस्ट्री के आपके क्या हो जाएंगे यहां पे आंसर्स, ठीक है। तो 61 आपके देख लो, 33-33 क्वेश्चन की पूरी फिक्स रेशियो बना दी है यहाँ पे, फिजिक्स का मैं सर बाद में करा देंगे, तब तक तो आ जाएंगे सेशन लेके, नहीं आएंगे तो बाद में करा देंगे, कोई बात नहीं ना, अब उनका क्लास में तो नहीं छोड़ सकते ना दूसरे वाले, हाँ कोई बात नहीं, बाद में करा देंगे।
ठीक है, तो भाई अब आप कर लेना, आपने केमिस्ट्री वाले बायो वाले हो चुके हैं, और रेशो जैसे कि मैंने कहा था कि आपका 30 से 35 वाला रहता है, तो आपका 33 वाला फिक्स रहा है यहाँ पे, अब केमिस्ट्री के कर लो फटाफट। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के? भाई पहले लाइक करो, लाइक नहीं करोगे तो मैं क्वेश्चन नहीं बताऊंगी बिल्कुल भी। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ज्यादा अच्छा पेपर करके आए होंगे, और जैसे कि मैंने आपको बोला था कुछ ज्यादा मुश्किल पेपर नहीं आया, एकदम आसान पेपर आया, एकदम सेट पेपर आया। तो चलिए जल्दी से करते हैं। देखिए इसका जो फर्स्ट इसका जो ऑप्शन होगा, दो ऑप्शन बन रहे हैं, या तो फर्स्ट होगा या सी होगा। मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन आप लोगों का क्या होना चाहिए, मेरे हिसाब से इसका सही आंसर आपका सी ऑप्शन होना चाहिए। तो जो जो बच्चा सी लगा कर आया, दैट्स वेरी वेरी गुड। ठीक है, फर्स्ट और सी दोनों में कंफ्यूजन है, देखो बिल्कुल सेम है ऑलमोस्ट, डीपी अपॉन डीवीटी और के अपॉन बी, तो दोनों सही है। यहाँ पर माइनस का फर्क है, यहाँ पर प्लस का फर्क है, बॉयल स्लो। देखिए एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक यहाँ पर कुछ क्लियर नहीं हुआ है, अगर एंडोथर्मिक होगा तो पॉजिटिव में आंसर होगा, एक्सोथर्मिक अगर दिखा रहा होगा तो आपका वो होगा। तो जिसका सही है बहुत ही शानदार बात है। जल्दी से बढ़ते हम थोड़ा सा आगे की तरफ, और अगला क्वेश्चन है, देखिए ग्लास आपका जो सॉल्युबल होता है वो किस चीज में होता है? आपका हाइड्रोजन फ्लोराइड में होता है। किसमें सॉल्युबल होता है आपका? हाइड्रोजन फ्लोराइड। भाई अगर लाइक नहीं करोगे ना, जितने बच्चे क्लास देख रहे हैं, मैं देख रही हूँ 74 बच्चे क्लास देख रहे हो, भाई अगर लाइक नहीं करोगे मैं बिल्कुल क्वेश्चन से आगे नहीं बढ़ूंगी, यहीं रुक जाऊंगी। जल्दी से लाइक कर दो भाई, गला फाड़ फाड़ के पूरे पूरे महीने पढ़ाया तुमको, ऐसे कैसे कर रहे हो यार तुम लोग। जल्दी से लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, लाइक वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही में अगला क्वेश्चन देखना भी ना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है किस चीज के बारे में? नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से इवोल्यूशन ऑफ हीट। हीट इवोल्यूशन का मतलब है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है आप लोगों की? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है मेरे प्यारे दोस्तों। जब कभी भी आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है तो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाती है? आपकी घट जाती है। अगर यहाँ पर हीट इनटेक हो रहा होता, यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही होती, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती? आपकी इंक्रीज हो जाती। तो इसका सही आंसर है आप लोगों का डी ऑप्शन। ऑल राइट, अच्छा नहीं नहीं सेकंड टाइम लाइक मत करो, कह रहा मैम एक बार लाइक कर दिया, सेकंड टाइम में तो डिसलाइक हो जाएगा ना दोस्त, इतना ही काफी है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर पॉसिबल कौन सा नहीं है। बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा होगा कि इसका आंसर 5 है, लेकिन लेट मी क्लियर हूं, 8 कोऑर्डिनेशन नंबर पॉसिबल नहीं होता आयनिक के लिए, क्योंकि यहां पर आपसे पूछा जा रहा है आयनिक सॉलिड्स के बारे में। किसके बारे में पूछा जा रहा है आप लोगों से? आयनिक सॉलिड्स के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका सिंपल और एकदम सही आंसर है आप लोगों का 8 ऑप्शन। ठीक है, अगर यहाँ पे कोवेलेंट कोऑर्डिनेट कुछ भी होता तब हम 8 की तरफ जा सकते थे, 5 की तरफ जा सकते थे, लेकिन इसका सही आंसर है आप लोगों का 8। बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा 5, लेकिन हम बड़ी क्लासेस में 5 पढ़ते हैं, 5 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है आयनिक सॉलिड्स का। सही आंसर है इसका 8। चले दोस्त बढ़ते हैं आगे की तरफ, और नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा था किस चीज के बारे में? पीएच के बारे में पूछा था भाई। तो पीएच में क्या करना है आपको? लॉग, सीधा सीधा इसका फॉर्मूला होता है लॉग 2। ठीक है, इसका लोग ले लेते हैं पीएच निकालने के लिए, क्या लेते हैं इसका संपूर्ण लोग लेते हैं, प्लस ये 4 है, 4 log 10, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 3.7। क्या आएगा आप लोगों का? 3.7। नवीन थैंक यू सो मच, क्वेश्चंस भी अच्छे लगने चाहिए है ना, क्वेश्चंस भी तो बढ़िया आए थे, इनको भी देख लो। नेक्स्ट मैं आपसे बात करती हूँ अगले क्वेश्चन के बारे में। आपसे पूछा जा रहा है कि जब हम दूर जाते हैं न्यूक्लियस से, जब हम क्या होते हैं न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, तो हम लोगों की एनर्जी क्या होती है? हम लोगों की एनर्जी डिक्रीज करती है। तो जिस भी बच्चे ने यहाँ पर डिक्रीज आंसर लगाया होगा, दैट इज वेरी वेरी गुड, बहुत शानदार, डिक्रीज इसका सही आंसर है। चले जल्दी से बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ, फटाफट आपके आंसर्स बता देते हैं, आपकी परेशानी कर देते हैं, झटपट खत्म। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है MgO के पास कैसा स्ट्रक्चर होता है। तो MgO और NaCl का स्ट्रक्चर टाइप हम बिल्कुल सेम मानते हैं, तो इसका सही ऑप्शन है आप लोगों का बी ऑप्शन, NaCl। इसका सही आंसर है क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? NaCl। वेरी गुड नवीन, वेरी गुड प्रवीण, और क्लास में जितने भी स्टूडेंट है बताते रहो भैया क्या क्या लगा कर आयो, सो देट मैं थोड़ा सा बता तो सकूं कि तुम लोग करके क्या आयो पेपर में। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन इस वाले पेज पे होगा शायद से, है ना मैम? तो देखिए इसका सही आंसर है मेरे हिसाब से आप लोगों का, इसका सही आंसर है मेरे हिसाब से आप लोगों का फर्स्ट ऑप्शन। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे भी है, मुझे फर्स्ट और सेकंड दोनों ही ठीक लग रहे हैं, लेकिन आप लोग फर्स्ट अगर लगा कर आए हो, फर्स्ट ज्यादा अप्रोप्रिएट है आइडियल गैस के लिए। ठीक, चले जल्दी से थोड़ा सा बढ़ते हैं। इसमें मैं अभी भी कह रही हूँ, इसमें मुझे भी कंफ्यूजन है, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में से कुछ भी हो सकता है। आंसर की कंफर्म करेगी 68 का, तो 68 का मेरे हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए। आंसर के हिसाब से क्या आता है वो हम देखेंगे जब आंसर किया जाएगी।
नेक्स्ट मैं आपसे बात कर रही हूँ किस चीज के बारे में, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किसमें पॉसिबल नहीं है, तो भैया ये आपकी वन हेक्सेन में पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। किसमें पॉसिबल नहीं है? वन हेक्सेन में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने आपको ये वाली और ये वाली कंडीशन समझाई थी। ये वाली का मतलब इधर दोनों सेम होने चाहिए और ये वाली का मतलब दोनों डिफरेंट होने चाहिए। तो आप ये बस समझना, मैं कुछ नाच वाच के दिखा रही हूँ आपको। नो 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 डियर स्टूडेंट्स, ये वाली कंडीशन का मतलब होता है ये दोनों सेम है, और ये वाली कंडीशन का मतलब होता है दोनों सेम है। तो इसमें से ये प्रोसेस कोई भी पूरी नहीं करेगा, तो इसका सही आंसर है आप लोगों का सी ऑप्शन। चलें नेक्स्ट मैं आपसे बात करती हूँ, इसमें पूछा जा रहा है द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ नंबर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेस इज इक्वल्स टू सम ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर। ये कथन था आपका डल्टन का, डल्टन ने तो बोला था पी इज इक्वल्स टू पी वन प्लस पी टू एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसका सही आंसर है आप लोगों का बी ऑप्शन। जो जो इसको डाल्टन लगा कर आया दोस्त, दिल खुश कर दिया आप लोगों ने, बिल्कुल सही आंसर है, बहुत शानदार। सभी के सभी वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर देंगे, जिस जिसने वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर नहीं करा है। आपसे पूछा जा रहा है इसका करेक्ट ऑर्डर क्या है स्टेबिलिटी का, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, जो आपका बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बाप है ना, तो इसकी जो होती है सबसे कम होती है, और सबसे ज्यादा किसकी होती है? बेरिलियम की। तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन लगाकर आया है वो बिल्कुल सही है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, दैट्स इट, फर्स्ट ऑप्शन है जो बिल्कुल वही हुआ है। ओके अजय, सोनिया मैम तो तुम्हारी है ही रॉक स्टार दोस्त, उनके बारे में तो कहने बेकार है कुछ, बेकार मतलब गलत कहना बेकार है। सोनिया मैम गलत ले जा रही हो आप मेरी बातों को, मैन्युपुलेट कर रही हो। आपसे पूछा जा रहा है इससे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा एक लुईस एसिड नहीं है, तो NCl3 आपका लुईस एसिड नहीं है, इसका सही ऑप्शन है आप लोगों का NCl3। तो जो जो बच्चे NCl3 लगा का है, दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी परफेक्ट। जल्दी से एक बार सेशन को शेयर करेंगे ज्यादा से ज्यादा, सेशन को लाइक करेंगे। चले नेक्स्ट हम आपसे बात करते हैं किस चीज के बारे में, नेक्स्ट हम आपसे बात करते हैं, देखिए अगर पी डॉट और पी वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का और एक सॉल्यूशन का है, N1 और N2 क्या है आप लोगों का मोल फ्रैक्शन है, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, तो P में से हम P माइनस करके तो मोल फ्रैक्शन निकाल लेते, तो इसमें जो बच्चा सेकेंड ऑप्शन लगा कर आया होगा उसका आंसर एकदम ठीक होगा। ठीक है, आपको B ऑप्शन लगा रखा है, अच्छा मजा आ गया अब तो, क्यों भाई बहुत अच्छा पेपर करके आए हो क्या। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है जिसमें सेम नंबर ऑफ रेडियल नोड्स होती है, तो 2s और 3p में सेम नंबर ही होगा, 1s 2s 2p 3p, तो हम 1/1 लेकर चलते हैं, 2s के साथ क्या लेंगे हम, 3s नहीं लेंगे, 3p लेंगे, 2s और 3p, इसमें सेम नंबर ऑफ रेडियल नोड्स होते हैं। ठीक, चले जल्दी से बढ़ते थोड़ा सा आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है कि अगर pH बढ़ा दिया जाता है 3 से 6 तो हाइड्रोजन कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, तो pH और हाइड्रोजन कंसंट्रेशन में आपका इन्वर्स का रिलेशन तो सीधा सीधा आपका घट जाएगी, 1000 क्या हो जाएगी आप लोगों की कम हो जाएगी, तो डिक्रीज्ड बाय 1000 टाइम्स, फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर। जिसने फर्स्ट आंसर लगाया है बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया। जल्दी से बढ़ते थोड़ा सा आगे की तरफ, और नेक्स्ट हम आपसे बात करेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन किधर है भाई, इधर है, आपसे पूछा जा रहा है इस चीज में ओजोनोलिसिस, तो आप लोगों को सभी को पता है जब कभी भी हम ओजोनोलिसिस करते हैं, ओजोन को जोड़ते हैं, किसको जोड़ते हैं, आप ओजोन को जोड़कर ऐसे कट लगाते हो तो आपका क्या बनता है, आपका एनहाइड्राइड बनता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है आप लोगों का फर्स्ट ऑप्शन, जो बच्चा मेरी तरह ये एनहाइड्राइड लगा कर आता है उसका आंसर बिल्कुल सही होता है, मतलब मैंने नहीं लगाया, मैंने तो यहीं लगाया, अभी आपके सामने क्वेश्चन पेपर देख रही हूँ, इसका सही आंसर है कौन सा आप लोगों का, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट मैं आपसे बात करती हूँ, आपसे पूछा जा रहा है सरफेस टेंशन के बारे में, कौन सी बात एकदम सही है, इसको थोड़ा सा सुनिए मैम, ये इधर नहीं हो रहा, उधर कर दो थोड़ा सा, इतनी से हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है तो सरफेस टेंशन डिक्रीजेस व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस, सरफेस टेंशन डिक्रीजेस व्हेन द टेम्परेचर डिक्रीजेस, सरफेस टेंशन इज मैक्सिमम एट द क्रिटिकल टेम्परेचर, सरफेस ओके 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 ओके। तो देखिए इसका सही जवाब है मेरे प्यारे दोस्तों, जो जो बच्चा इसमें आप लोगों का फर्स्ट ऑप्शन लगा कर रहा है बिल्कुल सही आंसर है उसका, ये कथन बिल्कुल गलत है, ये कथन भी बिल्कुल गलत है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो 3 और 4 इसका सही आंसर है। तो जो बच्चा 3rd और 4th लगा कर आया वो बिल्कुल सही है भाई, डिक्रीज कहाँ होती है, ये तो बढ़ जाती है ना। चलो नेक्स्ट
नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है किस चीज के बारे में, नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें एस और एस बॉन्ड किस में प्रेजेंट नहीं होता, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ H2O3 में तो SOS बॉन्ड होगा, SS बॉन्ड भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, किस में नहीं होगा, इसमें नहीं होगा। तो जो बच्चा बी ऑप्शन लगा कर आया है वो आंसर बिल्कुल ठीक लगा कर आया, बहुत शानदार, बिल्कुल दिल खुश कर दिया आप लोगों ने। चलिए जल्दी से बढ़ते हम थोड़ा सा आगे की तरफ, और नेक्स्ट हम आपसे बात करेंगे किस चीज के बारे में, अगली हम आपसे बात करने वाले हैं दोस्तों आइडेंटिफाई द सिंपलेस्ट एल्केन। आपसे पूछा जा रहा है सिंपलेस्ट एल्केन के बारे में बता दो भाई, इससे भद्दा क्वेश्चन और क्या हो सकता था, मीथेन CH4, इससे ज्यादा सिंपलेस्ट तो कुछ भी नहीं है, मतलब ये क्वेश्चन दिया ही क्यों था, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपने दिया ही क्यों था, मुंह तो आने दे। इसका सही आंसर है आप लोगों का, इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑलराइट स्टूडेंट्स, मीथेन। हाँ दिल तो मेरा भी खुश हुआ है आप लोगों को पढ़ा करके, आप लोगों ने इतना अच्छा जवाब दिया है, इसका सही आंसर है आप लोगों का मीथेन। वेरी वेरी गुड, बहुत बहुत शानदार। कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो तो आप मुझसे बात कीजिएगा और बढ़िएगा थोड़ा सा आगे की तरफ, और जिसने अभी तक लाइक नहीं करा है सभी के सभी एक बार लाइक कर देंगे, सभी के सभी एक बार शेयर कर देंगे। चलो भाई मैं तो ये सोच रही हूँ ये क्वेश्चन दिया ही क्यों था आप लोगों को। आपसे पूछा जा रहा है इनमें से किस कंपाउंड को इनऑर्गेनिक बेंजीन कहा जाता है, इनमें से किस कंपाउंड को इनऑर्गेनिक बेंजीन कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है आप लोगों का ग्रेफाइट, इसका सही आंसर है पायरिडिन। कौन लगा कर आया भैया, ये किसी का क्वेश्चन पेपर उधार मांगा था हम लोगों ने, इसका सही आंसर है आप लोगों का ग्रेफाइट। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं आगे की तरफ, और नेक्स्ट हम आपसे बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैज द हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन, तो इनमें से जो हल्का होगा वो सबसे तेज भागेगा, इनमें से जो हल्का होगा वो सबसे तेज भागेगा, तो इसका सही आंसर आप लोगों का NH3, इसका सही आंसर है आप लोगों का NH3। तो जिस बच्चे ने NH3 लगाया है दैट्स वेरी वेरी गुड, दैट्स वेरी परफेक्ट, ठीक है। चलें जल्दी से बढ़ते थोड़ा सा आगे की तरफ, नहीं भाई ग्रेफाइट का आंसर है, बोरे नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्ट एज अ बफर सॉल्यूशन, तो इसमें से ये कॉमन आयन हो जाएगा, इसमें से ये हो जाएगा, इसमें से ये हो जाएगा, इसका सही आंसर है HCl और NH4Cl। सांस फूल जाता है हम लोगों का आंसर बताने में, इसका सही आंसर है HCl और NH4Cl। लाइक तो हो नहीं रहा है तुम लोगों से, मैं नहीं बता रही अब आगे मैं नहीं बता रही, मैं यही सेशन खत्म कर रही हूँ, मैं नहीं बताऊंगी अब 119। जी डियर स्टूडेंट जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर करोगे, और वीडियो को लाइक नहीं करोगे मैं नहीं बता रही, मैं ऐसी खड़ी हूँ शांति से, ठीक है। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ, और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, आपसे पूछा जा रहा है किस चीज के बारे में, आ जाओ भाई आ जाओ, क्वेश्चन कहाँ नाराज हो गए, ये आपका अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है इफ T इज द सरफेस टेंशन है सॉप सॉल्यूशन की और वर्क डन आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए इसका सीधा सीधा सा आप लोगों का आंसर आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, इसका सही सही आंसर रहेगा 6πD²T, ठीक। चले 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 जल्दी जल्दी, वाह जी वाह, मैं नाराज हो गई, तुमने सोनिया मैम की तारीफ करी नवनीत अब मेरी और मैम में जेलेसी हो जाएगी थोड़ी सी। नेक्स्ट मैं आपसे बात करती हूँ वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड डिपेंड्स, आपसे पूछा जा रहा है किस चीज के बारे में, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड किस किस चीज पर डिपेंड करता है, तो वेपर प्रेशर आप लोगों का डिपेंड करता है मेरे प्यारे दोस्तों दोनों पे, किस चीज पे डिपेंड करेगा, बोथ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम पे, किस चीज पे डिपेंड करेगा आपका, बोथ टेम्परेचर और बोथ आपके वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो जल्दी से बढ़ते हैं आगे की तरफ, और नेक्स्ट हम आपसे बात करेंगे किस चीज के बारे में, नेक्स्ट हम आपसे बात करेंगे अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों का, फटाफट देख लो कहा गया हमारा, आपका ये रिएक्शन है, ठीक है। इसमें आपने क्या करा है, प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट जब माइनस कर दिया तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, यूनिट लेस, बिल्कुल भाई, चार में से चार माइनस कर दो जीरो, यूनिट लेस, इसका सही आंसर है आप लोगों का यूनिट लेस। नहीं नवनीत ऐसे थोड़ी होता है, तो तुमने पहले मैम की कर दी ना, ये बात थोड़ी होती है कि आप भी अच्छी हो, ऐसे थोड़ी होता है, नहीं भाई नहीं। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा एक टर्शियरी अमाइड है, आपसे 87th में पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा एक टर्शियरी अमाइड है, तो देखिए इसका सही आंसर है आप लोगों का डियर स्टूडेंट्स इस पे एन पे तीन, इसका सही आंसर है आप लोगों का बी ऑप्शन, क्या आंसर है इसका, सही आंसर है आप लोगों का बी एंड बी ऑप्शन। जल्दी से बढ़ते हैं आगे की तरफ, और नेक्स्ट हम आपसे बात करते हैं किस चीज के बारे में, नेक्स्ट हम आपसे बात करते हैं आगे के बारे में,
चलिए फटाफट आपसे पूछा जा रहा है कौन सा डिफेक्ट पाया जाता है AGCL में, तो AGCL में जो आपका डिफेक्ट पाया जाएगा वो आप लोगों का फ्रेंकल डिफेक्ट पाया जाएगा। और कल भी देखिए दोस्त मैंने आपको एक चीज बता दी थी, किस चीज के बारे में, कल भी मैंने आपको ये बता दिया था प्यारे दोस्तों कि सिलेक्शन होने पे पार्टी मिलेगी आपको। थैंक यू सो मच, पार्टी तो मैं बिल्कुल करूंगी आप लोगों के साथ, लेकिन इसका सही आंसर है फ्रेंकल डिफेक्ट विद कैटायन। इसका सही आंसर है क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, फ्रेंकल डिफेक्ट विद कैटायन। किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो तो मैं एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन फिर से करवाऊंगी, आज तो सिर्फ आंसर की करवा रही हूँ, फिर मैं विद एक्सप्लेनेशन करवाऊंगी एक दो दिन में जैसे मुझे थोड़ी फुर्सत हो जाएगी, अभी मैं थोड़ा व्यस्त चल रही हूँ। नेक्स्ट हम आपसे बात करेंगे किस चीज के बारे में, आपसे पूछा जा रहा है एक आइडियल गैस जो है इनिशियली 300 केल्विन टेम्परेचर है, फाइनल टेम्परेचर 600 है, डिफरेंस कितने का आ गया, 300 का आ गया। आपसे पूछा जा रहा है फाइनल वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम को क्या करा है हम लोगों ने, टीवी करा है, लेकिन प्रेशर में कोई डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन यही कहता है आप लोगों का कि भैया कोई डिफरेंस नहीं होगा। इतने सारे नहीं हो पाए पेपर में, अरे दोस्त कोई बात नहीं, खुश रहो यार, जितना हो गया हो गया। कैसा रहेगा आप लोगों का, सेम रहेगा, कैसा रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों का, सेम रहेगा, बिल्कुल शानदार। और जल्दी 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 एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे। जी प्यारे दोस्तों अब जल्दी से बढ़ते हैं, आदर्श गैस तो हम लोगों ने पढ़ ली, अब कुछ बच गया है क्या सोनिया मैम से, जो मैम ने नहीं करवाया था, नहीं, हो चुका है। हो गया था, लास्ट वीक प्रश्न है, लास्ट में एक प्रश्न है उसका सवाल, कोबाल्ट 60 है ना, ये तो छोड़ो, ये तो सर के है, नहीं न्यूक्लियर पावर, यूरेनियम 235। हाँ ये बता दो आंसर बता दो फिर। आपसे पूछा जा रहा है इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू एज अ न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी में आप किस चीज का इस्तेमाल करेंगे, जाहिर सी बात है यूरेनियम का इस्तेमाल करेंगे, एल्यूमिनियम क्रोमियम और कैडमियम का इस्तेमाल करना तो बिल्कुल बेकार बात है, कुछ भी नहीं होगा इससे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों के कमेंट्स रुक गए, कैसे आप लोग कमेंट्स नहीं बता रहे हो क्या अभी मुझे, एक आधा कमेंट कर दो, मुझे पता नहीं लग पा रहा है कि आप लोग बता क्या रहे हो क्या नहीं बता रहे हो। चलिए नेक्स्ट मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैम आपने ये बता दिया है व्हाट टाइप ऑफ लेंस इन ह्यूमन रस्टिंग आपने बता दिया है। चलो भाई 100वां क्वेश्चन बता दो, आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई ऑफ द एलिमेंट ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन। ये क्वेश्चन तो आप लोगों को ही बताना पड़ेगा वरना मैं क्लास से बिल्कुल नहीं जाऊंगी। और जिसने भी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है, वीडियो को शेयर नहीं करा है, शानदार तरीके से वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, फटाफट वीडियो को लाइक वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और भाई इसका बता दो साइज, पहले तो इन सबके ग्रुप लिख लिख कर बता दो क्लास में, पहले तो इन सबके ग्रुप बता दो कौन कौन से ग्रुप में आते हैं, ऑक्सीजन फ्लोरीन और नाइट्रोजन, व्हाट इज द ग्रुप नंबर। और जैसे कि आपको पता है लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हुए, लेफ्ट से जैसे हम राइट की तरफ चलेंगे आप लोगों का साइज क्या हो जाएगा, आप लोगों का साइज कम हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। थोड़ा सा यहाँ पर गौर फरमाइए, ये जिसने भी ये आंसर सॉल्व करा है बड़ा ही खतरनाक तरीके से सॉल्व करा है, और आप जितने भी बैठे हो ना क्लास में एक बार मुझे बता दो क्या लगा कर आए हो उसका आंसर, मुझे थोड़ी सी तसल्ली हो जाएगी ये देखकर कि आप लोग तो कम से कम ठीक लगा कर आए हो। अच्छा चलिए जल्दी जल्दी से तो देखिए इसका सही आंसर है, ये तो बिल्कुल बकवास आंसर लगा कर आया, इसका सही आंसर क्या होगा ONF, इसका सही आंसर क्या होगा आप लोगों का ONF, सबसे जो कम होगा वो किसका होगा, फ्लोरीन का, फिर ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का, तो इसका सही आंसर है 16, 17, 15, यस, बहुत शानदार 16, 17, 15, संदीप ने बिल्कुल सही आंसर लगाया है मेरे प्यारे दोस्तों। सो 16 ग्रुप में कौन आता है आपका, ये आता है, ये किस में आएगा आपका 17 में आएगा, और ये किस में आएगा आप लोगों का डियर 15 में आएगा। ठीक है तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस थे हमारी तरफ से खास आप लोगों के लिए, और अभी आपका रह गया है सिर्फ आपका फिजिक्स, मैं भी इसमें सही रह गया है आप लोगों का। तो भाई आपका फिजिक्स वाला पोर्शन जो है अभी बाकी रह गया है, पर फिजिक्स का पोर्शन आपके समीर सर जो है अलग से एनालिसिस करा देंगे, फिजिक्स का ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आपका नहीं आएगा नहीं कराएंगे, क्योंकि अभी समीर सर की है क्लास और क्लास होने की वजह से वो नहीं करा पाए अभी, तो उनकी तो भाई हमको क्या करना है अलग से इसकी एक्सप्लेनेशन के साथ हम एक दूसरी वीडियो बनाएंगे, और उस वीडियो के अंदर आपको एक आंसर जो हमने टिक कराया है वो क्यों सही है क्यों गलत है हर चीज हम बताएंगे। तो डोंट यू वरी गाइस, इसी के साथ हम लेते हैं आपसे अलविदा, होप सो कि आपका पेपर अच्छा हुआ, किसके कितने अटेम्प्ट हुए हैं
सब हमें बताएगा कमेंट बॉक्स में. अभी के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे. हैव अ नाइस डे. थैंक यू सो मच. बाय बाय. यार फिर भी बहुत सेट गया है यार.